ठीक है, स्पॉन एंड टिश्यू कल्चर है। और स्पॉन एंड टिश्यू कल्चर जो होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, पहला प्योर कल्चर, दूसरा मदर स्पॉन मदर कल्चर, और तीसरा सॉरी प्योर कल्चर, मदर स्पॉन और कमर्शियल स्पॉन, इन तीन पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो कल हमने क्या बनाया था, मदर स्पॉन और कमर्शियल स्पॉन, आज हम लोग प्योर कल्चर करेंगे। और प्योर कल्चर का भी मीडिया प्रिपरेशन, वही जो उसका मीडिया है, जो प्योर कल्चर का फूड को प्रिपेयर करेंगे उसका मीडियम, और फिर प्योर कल्चर मदर स्पॉन और कमर्शियल स्पॉन का लैब में इनोकुलेशन होगा। ठीक है, तो हमने कल क्या किया था, मदर स्पॉन और कमर्शियल स्पॉन का मीडिया प्रिपरेशन किया था, फिर पैकिंग करी थी, फिर ऑटो क्लीनिंग करी थी यानी कि स्टेरिलाइजेशन, ऑटो क्लीनिंग हमने देखा आपके साथ में डाला था, अगर आज आप अगर मिस हो गया, हाँ अगर मिस हो गया तो आज अभी दोबारा से एक लॉट डलने वाला, वो आप देख लीजिएगा। और प्योर कल्चर का भी ऑटो क्लीनिंग साथ में ही होगा अभी, ठीक है, इसका इनोकुलेशन और इनक्यूबेशन वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और रेस्ट और सेम प्योर कल्चर का हम बाहर लैब के क्या करेंगे, मीडिया प्रिपरेशन, पैकिंग प्लस ऑटोक्लेविंग और इनोकुलेशन और इंक्यूबेशन लैब के अंदर, यानी कि प्योर कल्चर, मदर स्पॉन और कमर्शियल स्पॉन का इनोकुलेशन लैब के अंदर आप लोग अभी करेंगे। इंक्यूबेशन, इनोकुलेशन और इंक्यूबेशन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर हम प्योर कल्चर का मीडिया प्रिपरेशन करेंगे तो मीडिया जो होता है प्योर कल्चर के बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, मतलब जो हम फ्रेश फ्रूट बॉडी में से कल्चर लेंगे वो किसी मीडियम में, मीडिया या किसी मीडियम में फैलाएंगे। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग तरह का इसका मीडिया बनता है, PDA दैट इज पोटैटो डेक्सट्रोज अगर ME माल्ट एक्सट्रैक्ट, ये क्या है डेक्सट्रोज, CE डेक्सट्रोज आपका शुगर होगा, ग्लूकोज, कंपोस्ट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे करके बहुत अलग अलग तरह के मीडिया होते हैं प्योर कल्चर को बनाने के। आज उसका स्पेलिंग क्या, डेक्सट्रोज थी है वो, DEXROS होता है डेक्सट्रोज का स्पेलिंग, उसके नीचे अगार, ठीक है। तो अभी जो हम लोग करेंगे वो पोटैटो डेक्सट्रोज अगार ये बनाएंगे, और इसको बनाने के दो मेथड होंगे, एक एम पूरा नीचे माल्ट, माल्ट है, ठीक है, माल्ट जो, हाँ ठीक है, तो ये पाउडर फॉर्म में आते हैं ये सारी चीजें, एंड इट्स लाइक कि आपको ये जो सारी चीजें लेनी होगी जहाँ कि आपको लैब इक्विपमेंट्स वगैरह मिलते हैं वहीं पर आपको ये सारी चीजें मिलेगी, जहाँ पे कि आपको लेबोरेटरी का जितना भी सामान मिलता है, PDA बनाएंगे, बेस्ट सारे ही है, पर PDA में हमेशा आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, मतलब सब में चलता है, आप बेस्ट इट्स लाइक आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, पर PDA हम लोग नॉर्मली हम हर चीज में यूज करते हैं। ठीक है, अब PDA में क्या है कि पोटैटो डेक्सट्रोज अगार
जो ये मीडिया है इसको बनाने के लिए, पीडीएफ बनाने के लिए मैं आपको दो मेथड पढ़ाऊंगी। एक थोड़ा लॉन्ग मेथड होगा जिसमें आप आलू वगैरह छील के खुद अपने आप से सारी चीज़ें बनाएंगे, और दूसरे मेथड में रेडीमेड आप बनाएंगे, ठीक है। तो पहला वो वाला मेथड है जो आपको सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम पीडीएफ बनाते हैं 1000 ml, तो आप क्या करोगे, एक कंटेनर लोगे, उसमें 500 ml वाटर लोगे, और ये जो पानी है, ये जो वाटर है, दैट वाटर शुड बी RO, बॉइलिंग वाटर होगा या डिस्टिल वाटर होगा, इसमें कोई मिनरल्स वगैरह हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर इस पानी को हम हीटअप करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। और फिर इसमें 200 ग्राम पोटैटो के छोटे छोटे पीसेस डाल देंगे, छोटा मतलब 1/2 cm स्क्वायर शेप में, ये भी 1/2 cm और ये भी 1/2 cm स्क्वायर शेप में, 1/2 cm। पहले पोटैटो जो है, आलू जो है, आप उसको पूरा अच्छे तरीके से छीलोगे, पील ऑफ करोगे पोटैटो को, और उसको छीलने के बाद उसको इतने छोटे छोटे पीसेस में चॉप करोगे, 1/2 cm के पीसेस में चॉप करोगे, और फिर आप उससे उबलते डालोगे। वो डालने के बाद आलू को कुक करोगे, बट नॉट ओवर कुक, कुक जैसे व्हीट ग्रेन्स कुक किए थे वैसा कुक, और ये हो कि वो जो पोटैटो है उसका स्टार्च निकल आए। दो तीन बार हल्का सा पानी गर्म करके, वो अंदाजा नहीं है मुझे, वो अंदाजा नहीं है, बट आपको ये करना है कि ये जो पोटैटो है, आपने कल व्हीट ग्रेन्स बॉईल करे थे ना, हाँ। उसको बॉईल करना है आपको, हाँ। पर इतना करना कि ओवर कुक ना हो, ओवर कुक होने लगेगा तो आलू जो है किनारे से टूटने लगेगा, हाँ। निकलने लगेगा, वो नहीं होना चाहिए। टाइम मतलब 15-20 मिनट जो भी उसको लग रहा है, डिपेंड करता है कि आलू का जो रेशियो है वो कितना आपने लिया, पर 200 ग्राम होगा तो उबलते हुए पानी में 15-20 मिनट इज मोर देन इनफ, मतलब 15-20 मिनट बहुत है, छोटा छोटा इतना आलू का पक जाएगा पूरा, तो हाँ पकेगा। आप उसको अगर दो पार्ट में काटोगे भी तो आराम से कट जाएगा, पर वो कोने कोने से टूट के वो घुलने नहीं लगेगा जैसे आलू के साग में मिलना लगता है आलू, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुक हो बट नॉट ओवर कुक, पोटैटो का अपना सारा स्टार्च निकल जाए, और स्टार्च निकालने के बाद आप क्या करोगे, आलू इसको अलग रख दोगे, और ये पोटैटो स्टार्च अलग कर दोगे, दैट इज योर पी, ठीक है। और ये कितना होगा, 400 ml, क्योंकि आपने पानी गर्म किया, इवेपोरेट हुआ पानी, और थोड़ा कम हो जाएगा, 400 ml पानी बन जाएगा। अब ये पी आपका 400 ml है, अब आप अलग से एक कंटेनर लोगे, फिर से 500 ml वाटर डालोगे, और 10 ग्राम डेक्सवॉश और 10 ग्राम अगार डालोगे, मतलब पहले पानी को हीटअप करो, और उसके बाद आप उसमें डेक्सट्रॉस और अगार डालोगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसे मिक्स करोगे, स्टिर इट वेल, और ये याद रखना कि कोई लम्स नहीं होने चाहिए, वो जो डल्ले डल्ले से नहीं हो जाते, वो नहीं होने चाहिए, इसके लिए आपको उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, घुमाते रहना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए, उबलेगा ये, और उसके बाद जब वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए तो आपका ये बन जाएगा DA, डेक्सट्रॉस अगर, और ये भी थोड़ा पानी उसका उड़ जाएगा, समथिंग अराउंड, फॉर एन एग्जांपल 400 ml पानी बचेगा, 500 से कितना हो जाएगा 400, उसे पकाने में तो उड़ेगा ना उसका पानी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को मिला दोगे,
300 ml PDA हो जाएगा। पर हमें कितना चाहिए? 1000 ml चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक कंटेनर में 200 ml वाटर लेंगे। और फिर 200 ml इसमें मिला देंगे। और आपका ये 1000 ml PDA बन जाएगा। नॉर्मल वाटर लेंगे। नॉर्मल मतलब डिस्टिल RO या बॉइल्ड वाटर, मिनरल्स नहीं चाहिए। ऐड करने के बाद उसको हीट नहीं करना। नहीं, हीट नहीं करना, आपको नॉर्मली मिक्स कर देना। 200 ml वैसे ही मिला देना। हाँ, नॉर्मल ठंडा या गर्म करना, ठीक है।